हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। दैट इज हमारा टॉपिक है एमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। तो पहले हम एमीटर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। डियर स्टूडेंट्स, एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर विच इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट। अब हम बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से किसी भी रेंज का हमें एमीटर बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। सपोज दिस इज गिवन गैल्वेनोमीटर, एंड मान लेते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट पास हो सकता है वो कितना है, IG। तो ये जो IG है, दिस इज नेम्ड एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। दिस इज नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, राइट। अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मीनिंग क्या है पहले हम इसको समझते हैं। देखो समझने के लिए हम बात करते हैं। मान लो हमारे पास में दिस इज द गैल्वेनोमीटर एंड दीज आर डिविजन्स ऑन दिस गैल्वेनोमीटर। हेयर इज जीरो, हेयर इज मैक्सिमम करंट दैट इज IG, राइट। तो यहाँ पर नीडल क्या रीड करेगी, जीरो। इफ करंट इज इंक्रीजिंग देन नीडल विल गो फॉरवर्ड एंड मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकती है, IG, राइट। देन दिस IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मान लेते हैं भाई इसके अंदर ये जो डिवीजन है, सपोज इन जनरल हम मान लेते हैं लेट n इज नंबर ऑफ स्केल डिवीजन एंड k इज फिगर ऑफ मेरिट फॉर दिस गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट, इसका मतलब होता है वन स्केल डिवीजन डिफ्लेक्शन। मतलब इस गैल्वेनोमीटर का जो एक डिवीजन जो रीडिंग बताएगा उसका नाम क्या है, फिगर ऑफ मेरिट। जैसे मान लो सिंपली हम कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज दीज आर 1, 2, 3, 4 and 5, यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है एंड दे हेयर इज 50। सपोज दिस इज द नीडल, यदि हमने गैल्वेनोमीटर में से करंट पास किया एंड नीडल कम्स टू 50, तो देखो यहाँ पर डिवीजन कितने, 1, 2, 3, 4 एंड एक और हम इंक्रीज कर देते हैं आसानी से समझने के लिए 50, यहाँ पर 50 है। तो पांच डिवीजन है, तो एक डिवीजन क्या रीडिंग शो करेगा, 10 यूनिट, राइट। सो दिस 10 यूनिट, इन दिस केस 10 यूनिट का नाम क्या होगा, फिगर ऑफ मेरिट। और यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन। अगर हम इस पर्टिकुलर डिवाइस की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर डिवाइस में हमारे पास में n तो हो गया 5, और इसका जो एक डिवीजन जो रीडिंग शो करेगा वो कितना है, 10। अगर हम इसके लिए बात करें तो IG फुल स्केल कितना आ जाएगा, 5 × 10 इज इक्वल टू 50 यूनिट, राइट। ये तो आ गया हमारे पास में जो गिवन गैल्वेनोमीटर था उसके लिए कि जो हमारे पास में गिवन गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम रेंज कितने का है, IG रेंज का है, राइट। अब मान लो यदि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट IG से ज़्यादा आता है, देन हाउ वी कैन मेजर द करंट, तब उस करंट को हम कैसे मेजर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, यदि हमारे पास में ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें करंट मैक्सिमम कितना पास हो सकता है, IG। इफ I इज ग्रेटर देन IG, देन वी नो दैट गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस। थोड़ा बहुत भी करंट हम पास करेंगे तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि ये करंट इस लेवल से ज़्यादा जाएगा तो उस केस में क्या होगा, इसकी निडल में सडन डिफ्लेक्शन आएगा, रिजल्ट क्या होगा, इट मे गॉट डैमेज, खराब हो सकता है। अगर और ज़्यादा करंट हुआ देन देर विल बी हीटिंग ऑफ द क्वाइल ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। तो अब हमारे पास में मान लो हम ये कह दें कि हमारे पास में ये एक ही गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर से हमें करंट को मेजर करना है और करंट IG से ज़्यादा है, तो हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है कि हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में कोई लो रेजिस्टेंस वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, संट कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में आपको बताया कि व्हाट इज संट,
यदि इसके पैरेलल में हम लो रेजिस्टेंस वायर शंट को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, एक्स्ट्रा करंट जो भी होगा आई से जो भी एक्स्ट्रा करंट है दैट विल पास थ्रू दिस शंट। अब ये शंट और ये गैल्वेनोमीटर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक एमीटर बनाएंगे। मान लो टोटल करंट है वो कितना है आई, विच आई इज़ ग्रेटर देन आई जी। सो अब इन दोनों को मिलकर कितना करंट पास हो गया, आई करंट पास हो गया, राइट। तो ये दोनों मिलकर नई रेंज का बन गए, किस रेंज का बन गए, जीरो टू आई रेंज का ये एमीटर बनाएंगे। अब इसके पीछे जो टेक्निक हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो इसके पीछे इस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं हम करंट को, तो इसके पीछे जो टेक्निक है वो क्या है, मेथड क्या है, फार्मूला क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कोई एग्जांपल लेंगे फिर इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में ये गिवन गैल्वेनोमीटर था और इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम में कितनी मान लेता हूँ 10 mA, राइट। कि मान लो इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट 10 mA पास हो सकता है और हमें मेजर करंट को मेजर करना है विच इज़ ग्रेटर देन 10, सपोज करंट इज 100 mA। यदि डायरेक्टली 100 mA करंट इस गैल्वेनोमीटर में जाएगा तो क्या होगा, इट विल डैमेज। तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार का एक अरेंजमेंट कर देते हैं कि 90 mA करंट पासिस थ्रू दिस पाथ एंड इन दिस केस करंट इज 10 mA, राइट। सो ये दोनों मिलके वापस क्या बन गया, 100 mA का, ठीक है। तो अब इसकी जो स्केल है ना वो स्केल क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे मान लो इसकी ओरिजिनल जो स्केल थी, या यूँ कहते हैं कि ओरिजिनली ये कितनी रीडिंग शो कर रहा था, 10 mA, राइट। सपोज 10 mA के लिए यदि हम ये मान लें कि इसके अंदर कितने डिवीजन थे, सपोज मान लेते हैं 10 डिवीजन थे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और कितने डिवीजन मान लेते हैं इसमें 10 डिवीजन थे, तो 10 डिवीजन के लिए इसका प्रत्येक डिवीजन कितनी रीडिंग शो करेगा, 1 mA रीडिंग को शो करेगा एक डिवीजन इस केस में जब हम 10 करंट पास कर रहे हैं। अब यदि हमने 100 mA करंट को पास किया तो देखो हमने क्या किया, एक फिक्स रेशियो में डिवाइड कर दिया कि इसमें से कितना करंट आए 10, इसमें से कितना करंट जाए 90। हमें पता है कि ये जो दोनों मिलकर करंट कितना मेजर कर रहे हैं, 100 mA को। सो इसकी जो स्केल है उसका हमारे पास में आइडिया हो गया कि अब इसका जो एक डिवीजन है वो क्या बताएगा, 1 की जगह 10 mA को। अब यदि ये नीडल यहाँ आती है 10 पे, सो रीडिंग कितनी होगी, नाउ नॉट 10 कितनी हो गई, अब ये 10 गुना बढ़ गई, राइट। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, 10 से ओरिजिनल रेंज कितनी इसकी 10 mA की, करंट हमने 10 गुना इंक्रीज कर दिया तो इसकी जो स्केल है वो भी कितनी बढ़ जाएगी, 10 टाइम्स जो इसकी जो रेंज है वो बढ़ गई। तो प्रत्येक डिवीजन इसका जो रीडिंग शो करेगा अब एक की जगह 10 mA शो करेगा। देखो हम और एग्जांपल लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। सपोज ये हमारे पास में दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट। ये हमारे पास में ये एक पाथ है ए से बी तक। सपोज यहाँ पर ए मैन इज स्टैंडिंग, यहाँ पर कोई आदमी है और इस आदमी की कैपेसिटी है यहाँ से यहाँ तक ये आदमी मान लो एक दिन में एक बॉक्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक एक दिन में 10 बॉक्स चाहिए, तो क्या पॉसिबिलिटी बची भाई इस आदमी की कैपेसिटी कितनी है, एक बॉक्स है, ये तो एक ही बॉक्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हम क्या सॉल्यूशन करें, और कोई अल्टरनेटिव जिसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं कि और कोई आदमी लगा लेते हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी हो, 9 बॉक्स को ये आदमी ट्रांसफ़र कर दें। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक दिन में कितने बॉक्स ट्रांसफ़र हो गए, वी कैन से दैट 10 बॉक्स, राइट। हमारे पास में 10 बॉक्स हमें ट्रांसफ़र करने दे, यहाँ पर कितने आ गए, 10 बॉक्स आ गए, और इस पाथ की कैपेसिटी कितनी थी, एक बॉक्स थी। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें तो करंट कितना रखेंगे, जो इसकी लिमिट है,
आई जी रखेंगे। एक्स्ट्रा जो करंट है उसके लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई अल्टरनेटिव जिसको हम क्या कहते हैं, संट लगा देते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस रेशियो में हमने इन दोनों को डिवाइड किया है, यहाँ पर और यहाँ पर किस रेशियो में डिवाइड किया अपन ने। देखो टोटल कितना था, 10 का जो ये कहते हैं कि सपोज 10 का जो 90% तो यहाँ आ गया, 10 का 10% यह आ गया। तो हमने इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रखा है, 10:90, 10% इधर इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 90% इधर ट्रांसफ़र करेंगे। इसी प्रकार से यदि हमें पता हो कि हमें करंट को किस किस रेशियो में डिवाइड करना है, देन वी कैन ईजिली कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर। इस प्रकार का हम पैटर्न यूज करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब इधर से एक ट्रांसफ़र हुआ तो इधर से कितने आएंगे, नो टोटल कितना हो गया, 10, राइट। इसी प्रकार से अगर इधर से दो बुक्स ट्रांसफ़र होके आते हैं तो हम इस बात को बिना देखे भी बता सकते हैं कि दो के कोरस्पोंडिंग में इधर से कितने आएंगे, 9×2 दैट इज़ इक्वल टू 18, क्योंकि एक के लिए इधर से कितने आ रहे हैं, 9। यदि यहाँ से दो बुक्स ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ से कितने आएंगे, 18 आएंगे। इसी प्रकार से हम ये कह दें कि ये गैल्वेनोमीटर यदि सपोज यूँ कह दें कि इट इज़ शोविंग 10 mA, तो 10 का मतलब वास्तव में कितना हो गया, 100 mA हो गया। यहाँ से फाइनली जो आएगा इसका, हमने 10 टाइम स्केल को इंक्रीज करने के लिए क्या किया, 10 इधर और 90 इधर, सेम रेशियो लगा दिया हमने कि कितना रेशियो लगा दिया, 10% और 90% वाला रेशियो लगा दिया। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर, राइट। ये तो थे एग्जांपल्स, अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पे, राइट। टॉपिक हमने यहाँ शुरू किया था कि आई जी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, एन मान लेते हैं नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, के क्या है फिगर ऑफ मेरिट, राइट। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट एस इज ए संट रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। नाउ वी हैव टू करंट, सपोज वी वांट टू कन्वर्ट इट्स स्केल फ्रॉम 0 to I। इसकी स्केल को हमें कहाँ से कन्वर्ट करना है, 0 to I, जबकि ओरिजिनल स्केल क्या थी इसकी, यदि हम ओरिजिनल स्केल की बात करते हैं तो ओरिजिनल स्केल थी इसकी 0 to IG तक। हमें इसको कन्वर्ट करना है 0 to I रेंज का बनाना है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो एक्स्ट्रा जो करंट है, जो भी एक्स्ट्रा करंट होगा वो इधर आ जाएगा। नाउ करंट इज I, एक्स्ट्रा करंट कितना रह गया, I माइनस में IG इज एक्स्ट्रा करंट, राइट। अब हमारे पास में देखो ये जो सेंट है इसमें तो करंट हो रहा है I माइनस IG, और गैल्वेनोमीटर में करंट कितना आ रहा है, IG। दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। यदि इसको हम आसानी से समझने के लिए यहाँ बना लेते हैं, दिस इज सेंट एंड दिस इज लेट जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट। टोटल करंट कितना आ रहा है, आई। गैल्वेनोमीटर में कितना पास होगा, IG। संट में से कितना पास होगा, I माइनस IG। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से वापस, I, राइट। नाउ अब हमें क्या निकालना है, S की वैल्यू निकाल लेते हैं। S की वैल्यू निकालते हमें क्या पता चल जाएगा कि इसको I रेंज का बनाने के लिए हमें कितना संट लगाना है। सो S की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि बिटवीन पॉइंट A एंड B, देखो पॉइंट A और B के बीच में दोनों पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सो वी कैन से दैट पोटेंशियल ड्रॉप इन संट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन गैल्वेनोमीटर। तो संट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट गुणा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन गैल्वेनोमीटर दैट इज इक्वल टू IG×G। सो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IG/I-IG, इसके बटे में ले आएंगे और इधर क्या रह गया, जी। सो अगर हम ये कह दें कि इतना रेजिस्टेंस, S के बराबर रेजिस्टेंस यदि हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ किस में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में, तो ये गैल्वेनोमीटर जो ओरिजिनली
आईजी रेंज का था, अब ये दोनों मिलकर वी कैन से दैट नाउ दीज टू गैल्वेनोमीटर एंड शंट बिकम ए न्यू एमिटर ऑफ रेंज 0 टू आई. ये नई रेंज का बन गया 0 से आई रेंज का. सो 0 से आई रेंज का बनाने के लिए क्या कंडीशन है, इतना रेजिस्टेंस हमें गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा, राइट. ये तो हो गया हाउ टू कन्वर्ट. अब हम इसके कुछ एक स्पेशल केस लेते हैं कि व्हाट आर द स्पेशल केसेज ऑफ गैल्वेनोमीटर. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में देखो एस जो हमने निकाला है, वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी. फर्स्ट जो की चाहता है, क्या हम इसको, हमने देखो जीरो से आई रेंज का बना दिया, क्या आप वापस इसके रेंज को कम कर सकते हैं. देखो पहली बात कि क्या हम इसके रेंज को कम कर सकते हैं, राइट. देखो क्या इसके रेंज को हम डिक्रीज कर सकते हैं. अगर हम रेंज को डिक्रीज करेंगे मीन्स इफ आई इज लेस देन आई जी. देखो नई रेंज क्या थी आई, यदि हम इसके रेंज को कम करना चाहें, मतलब आई किससे कम हो आई जी से, देन एस. देखो यदि आई आई जी से कम है तो आई माइनस आई जी नेगेटिव आएगा, सो एस विल बी नेगेटिव. एंड एस क्या, रेजिस्टेंस, एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव. रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इट मीन्स रेंज ऑफ एमीटर कैन नॉट बी डिक्रीज. सो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या था कि वाई रेंज ऑफ एमीटर कैन नॉट बी डिक्रीज, वाई रेंज ऑफ एमीटर कैन नॉट बी डिक्रीज. एमीटर की रेंज को हम डिक्रीज क्यों नहीं कर सकते, तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया हमारे पास में, यदि रेंज को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस नेगेटिव में आएगा एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब हम बात करते हैं व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. यदि इसका हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, या यूं कह दें कि इसको हमने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा. देखो गैल्वेनोमीटर एंड शंट दोनों जो रेजिस्टेंस हैं, दैट इज एस एंड जी, आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो वन अपॉन एस प्लस वन अपॉन जी, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, एस प्लस जी अपॉन में एस जी. आर ई इज इक्वल टू एस जी अपॉन एस प्लस जी. वी नो दैट इन पैरेलल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आता है, कितने भी रेजिस्टेंस हम लेते हैं उन सब में जो कम वैल्यू का आता है उससे भी कम होता है. सो वी कैन से दैट आर ई इज लेस देन एस. जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो शंट से भी कम आएगा, और शंट ऑलरेडी क्या था, लो रेजिस्टेंस. इट मीन्स एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस. देखो वेरी इनिशियली हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर. सो क्लियर हो गया होगा कि वाई एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, राइट. अब यदि हम लो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही एमीटर अच्छा होता है, राइट. सो यदि हम ये कह दें कि यहाँ से आइडियल एमीटर की बात करते हैं, व्हाट इज एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर. देखो हमने क्या कहा कि एन एमीटर हैविंग लो रेजिस्टेंस इज ए गुड एमीटर. तो गुड एमीटर कौन सा होता है जिसका रेजिस्टेंस कम हो. यदि हम आइडियल पे चले जाएं तो रेजिस्टेंस को भी हमें क्या करना होगा, उसी अनुपात में कम करते जाएं, तो लास्ट में क्या बचेगा, आइडियल. सो आइडियल एमीटर मीन्स एन एमीटर हैविंग, एन एमीटर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, एन एमीटर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस इज नोन एज आइडियल एमीटर. ऐसा कोई एमीटर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो. बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, वायर. ये हाउ वेयर स्मॉल इट विल हैव सम रेजिस्टेंस. आइडियल की जब हम बात करते हैं तो एमीटर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस इज नोन एज आइडियल एमीटर, राइट. अब बात करते हैं
कि हाउ इट इज़ कनेक्टेड, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, देन वी कैन से दैट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज बीइंग ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस काफ़ी कम है तो टोटल करंट कैन पास थ्रू, सपोज वी हैव टू मेजर करंट इन दिस पाथ, तो क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर को, या यूँ कह देंगे एमीटर जो हमने बनाया है इस पाथ में किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, ऑलरेडी ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, देन टोटल करंट विल पास थ्रू दिस एमीटर एंड वी कैन मेजर द करंट पासिंग थ्रू दिस पाथ, सो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में ऑल अबाउट एमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।